ईसाई, मुस्लिम एवं अन्य धर्मावलंबियों के धार्मिक स्थलों के जमीनों को हड़प कर मॉल एवं बिल्डिंग बनाने का कार्य किया जा रहा है। राज्य की राजधानी में काफी संख्या में ऐसे जमीनों पर रेरा एवं बिल्डिंग बायलॉज नियमों के विपरीत भवन बन रहे हैं। राजधानी के पौश इलाके लोदीपुर में भी इसी तरह का एक आलिशान मॉल का निर्माण किया जा रहा है। खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि उक्त मॉल राज्य के एक बड़े रसूखदार राजनेता का है, जो अपने पद और पावर का गलत इस्तेमाल कर चर्च की जमीन हड़प कर निर्माण कार्य करा रहे हैं। इस प्रकार सृजन, शौचालय आदि घोटालों से प्राप्त काले धन को सफेद बनाने का खेल जारी है। अतः दिनांक 25/7/2019 को सदन की कार्य सूची पर अंकित सारे विषयों को स्थगित करते हुए राज्य में ईसाइयों, मुस्लिमों एवं अन्य धर्मावलंबियों के धार्मिक स्थलों की संपत्ति की सुरक्षा विषय पर सदन में विचार विमर्श हो। महोदय, जिस तरह से जो घोटाला हो रहा है महोदय, 39 घोटाले हुए हैं महोदय पूरे बिहार में, उससे जो पैसा आता है महोदय, कल बोल रहे थे सुशील मोदी जी, उनकी संपत्ति अप्रत्याशित कैसे बढ़ गई, उनका बेटा के पास इतना संपत्ति कहाँ से आ गए, इतना महोदय उनके बेटा के पास इतना संपत्ति कहाँ से, महोदय कहाँ से मॉल बन गया, महोदय लोदीपुर में कहाँ से मॉल बन रहा है, महोदय जिस तरह से सुशील मोदी जी सृजन घोटाले से लिप्त, रेखा मोदी कहाँ है महोदय रेखा मोदी कहाँ है महोदय, इनको जवाब देना चाहिए। अगर इतना ही सत्य महोदय, सबसे पहले सुशील मोदी जी महोदय, सबसे पहले सुशील मोदी जी अपना नार्को टेस्ट करवाए महोदय, महोदय सदन से मांग करते हैं आपके माध्यम से, सबसे पहले सुशील मोदी जी अपना नार्को टेस्ट करवाए, वो ईमानदार है या बेईमान है पता लग जाएगा महोदय जिस तरह महोदय अरे नेता विरोधी दल का नाम लेता है तो लोग मरचाई लगती है, लालू यादव के जब नाम लेता है, लालू पलवार के नाम लोग लेता है तो काम, बैठिए बच्चा के लुटेरा बनाता है, जांच में ना सब कोई कराएगा आप ऑर्डर करिए, आसन से ऑर्डर करिए, हम सब कोई जांच करने के लिए तैयार है। नेता विरोधी दल कृपया बैठ जाइए कृपया बैठिए महोदय, प्रश्नकाल आरंभ होगा।